राजस्थान की सियासी फिजा में अब हरियाणवी रंग घुलने को तैयार है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परपौत्र और 5 बार हरियाणा के सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इसके लिए जयपुर में जननायक जनता पार्टी युवाओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर चुनावी अभियान का आगाज करेगी। इसके लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला राजस्थान के तूफानी दौरे पर हैं। चौटाला भाइयों के पिता अजय चौटाला राजस्थान से 2 बार विधायक रहे हैं। 80 और 90 के दशक में ताऊ देवीलाल की उत्तर भारत में लहर चल रही थी। देवीलाल राजस्थान के सीकर से चुनाव जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन तब से अब तक राजस्थान के रेतीले गहरों में सियासत की पूरी जमीन ही बदल गई है। अब उनके परपौत्र दुष्यंत और दिग्विजय पुरानी सियासी जड़ों को जिंदा करने के लिए राजस्थान का रुख कर रहे हैं। 5 अगस्त को जयपुर में युवाओं का सम्मेलन बुलाया गया है। दिग्विजय का दावा है कि राजस्थान के युवाओं को सही नेतृत्व की दरकार है। उनके सपनों को जननायक जनता पार्टी ही सच कर सकती है। JJP की स्टूडेंट विंग इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी INSO छात्र संघ चुनाव भी लड़ने को तैयार है। जनता दल के दौर में देवीलाल की आंधी चली थी, लेकिन पार्टी जब बनी तो चौटाला खानदान सिमट गया। जनता परिवार के विघटन के बाद चौधरी देवीलाल ने अपने आखिरी दिनों में इंडियन नेशनल लोकदल बनाया। हरियाणा में उनकी पार्टी सत्ता में भी आई। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के CM भी रहे। इनेलो ने 2003 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 4 सीटें भी जीती, लेकिन चारों विधायक बाद में BJP में चले गए। इसके बाद चौटाला परिवार कभी चुनाव लड़ने राजस्थान नहीं आया। वहीं हरियाणा में भी वह सत्ता से बाहर हो गया। चौटाला भाइयों में सियासी लड़ाई शुरू हो गई। इनेलो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पास चली गई। अब उनके एकमात्र विधायक अभय चौटाला है। उनके दूसरे भाई अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। जननायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 10 सीटें जीती। बाद में BJP के साथ गठबंधन की सरकार बनाकर अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बन गए। अब दुष्यंत अपने छोटे भाई दिग्विजय को राजस्थान में सक्रिय कर अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय राजस्थान से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करना चाह रहे हैं। वे BJP के साथ गठबंधन की भावनाओं को भी मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। बहरहाल जननायक जनता पार्टी की निगाह उत्तरी मध्य राजस्थान पर है। वहां चौधरी देवीलाल के जमाने के कई क्षत्रप अभी भी सियासी पारी खेल रहे हैं, इसीलिए पुराने रिश्तों को खंगाला जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।